गाइस, क्या आप भी अपना अमेज़न पे वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका जो भी अमेज़न पे वॉलेट बैलेंस में अमाउंट पड़ा है वो अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हो। तो कैसे भेजना है गाइस, सबसे पहले आपको अपना अमेज़न को ओपन करना है। यहाँ पर लाइक मैंने अपना जो अमेज़ॉन है वो यहाँ पर ओपन कर लिया है, देन मेरा अमेज़ोन यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर पे थ्री लाइन्स दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको अमेज़ोन पे वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे गाइस आपको करना क्या है कि मेरा जो अमेज़ोन पे बैलेंस है देख सकते हो 10 रुपये रखे हुए हैं, यानी कि 10 रुपये मैंने ऐड मनी किया था आपको दिखाने के लिए कि कैसे इस जो बैलेंस को है वो बैंक अकाउंट में भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो काफ़ी सारे भाई बंधु है वो नहीं भेज पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि ये 10 रुपये है ये मैं भेज के दिखाऊँगा अपने बैंक अकाउंट में। आपको करना क्या है कि नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंश्योरेंस यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गोल्ड का, ठीक है। तो इस गोल्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। गाइस ये जो तरीका है ये जेन्यू है, आपको कोई भी फेक नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे आपके सामने लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर अमाउंट कर देता हूँ, 10 रुपये का मैं गोल्ड बाई करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो पेमेंट है गाइस वो हमारे अमेज़ोन वॉलेट में 10 रुपये पड़े हैं। तो मैं 10 रुपये यहाँ पे डालता हूँ, उसके बाद मैं प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पेमेंट की बोलेगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा जो कार्ड है वीज़ा कार्ड वो जुड़ा हुआ है, देन ये मेरी UPI ID है, देन यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो अमेज़ोन पे बैलेंस है। तो आपको करना क्या है कि इनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ अमेज़ोन पे बैलेंस है तो इस वाले जो बॉक्स है इस पर टिक लगा देना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, नीचे प्लेस ऑर्डर एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, देन यहाँ पे लोडिंग लेने के बाद में गाइस यहाँ पे कन्फर्मेशंस मांग रहा है, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, यहाँ पे वेट करना है। और आप देख सकते हो हमारा जो गोल्ड है वो 10 रुपये का बाई हो चुका है सक्सेसफुल्ली। तो हम करेंगे क्या कि हमारा जो गोल्ड है वो बाई हो चुका है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको बैक आना है, देन यहाँ पे हमारा जो गोल्ड है वो हमने बाई कर लिया, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किया था क्या कि पहले गोल्ड को बाई किया था, यहाँ से देख सकते हो बाई गोल्ड यहाँ पर लिखा रहा है। तो अब करेंगे क्या कि यहाँ पर जो सेल गोल्ड है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और यहाँ पे एंटर अमाउंट वही डाल देना है जो अभी आपने गोल्ड में डाला था। लेकिन गाइस आपको एक बात का ध्यान देना ज़रूरी है, यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया कि जब भी आप गोल्ड को बाई करोगे वहाँ पे आपको कुछ परसेंट की GST देनी होगी। एग्जांपल के लिए मैंने 10 रुपये ऐड किए थे, तो आप देख सकते हो 9 रुपये 38 पैसे यहाँ पर बचे हुए हैं, तो मैं यही विड्रॉल कर पाऊंगा क्योंकि बाकी की जो है वो GST कट चुकी है। तो चलिए मैं यहाँ पे 9 रुपये डाल लेता हूँ। गाइस इसमें GST कटेगी, फिर मत बोलना कि सर आपने हमें बताया नहीं। तो मैं चलिए 9 रुपये ही यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि मैक्सिमम जो गोल्ड है गाइस वो यहाँ पर आपको 18 ग्राम का यहाँ पर बाई करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 9 रुपये डाल दिए है। सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको करना क्या है कि मैं यहाँ पे पहले क्या कर रहा था कि इंटर अमाउंट कर रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे इंटर अमाउंट नहीं करना है, यहाँ पे आपको ग्राम डालना है। जो ग्राम यहाँ पे दिया गया है आपके सामने देख सकते हो, यहाँ पे 0.0018 ग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे वही ग्राम यहाँ पे इंटर करना है। देख सकते हो 0.0018 ग्राम यहाँ पर डाल दिया है, देन यहाँ पे 9 रुपये 38 पैसे हमारे ये देख सकते हो बन रहे हैं। तो मैं इसको करता क्या हूँ कि मैंने ग्राम डाल दिया है, आपको भी ग्राम फिलअप कर देना है, यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएगा ग्राम। उसके बाद में कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जैसे ही कंटिन्यू किया यहाँ पर इस तरीके का पेंच आया है। अब आपको करना क्या है कि जिस भी UPI ID में आपका पेमेंट लेना है
वो यूपीआई आईडी इसमें बॉक्स में एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर देना। चलिए यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूपीआई एंटर कर दी, देन वेरीफाई पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे ही वेरीफाई किया यहाँ पे नीचे नाम आ चुका है, अकाउंट नेम। तो चलिए मेरा नाम सही है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। एक और बार आपसे कन्फर्मेशंस मांग रहा है कि आपको एक और बार देख लेना है आपकी जो यू पी आई आई डी है वो सही है। एग्जाम्पल के लिए गाइस आप कोई सी भी यू पी आई डाल सकते हो, लाइक पेटीएम हो गया, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजोन पे, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो इसमें यहाँ पे यू पी आई से ले सकते हो। इसमें आप बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते गाइस, यू पी आई डालोगे तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे अलग से बैंक अकाउंट ऐड करने का जो ऑप्शन है वो हमें देखने को नहीं मिला है। तो कन्फर्म एंड सेल पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डाला हुआ है। और आपको करना क्या है कि यहाँ पे अमेज़ॉन पे का जो आपने पासवर्ड है अमेज़ॉन का, वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर सेंड ओटीपी की बोल रहा है, तो मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे एक ओटीपी हमारे लिए भेज दिया है, ओटीपी ऑटोमेटिक लग चुका है। उसके बाद में साइन इन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। गाइस हो सके अगर आपको साइन इन करने की नहीं बोले लेकिन मेरे को बोला है, तो चलिए यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। देन आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो प्रोसेसिंग है सेम वही है। आप देख सकते हो मेरा जो गोल्ड है वो बाई हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर हो चुका है। देन अमाउंट हमारा 9 रुपये 38 पैसे आए हैं, मैंने 10 रुपये का गोल्ड बाई किया था। उसके बाद में गाइस अगर आपका जो गोल्ड सेल इज़ पेंडिंग दिखाए तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको 1 मिनट का वेट कर लेना है, उसके बाद में आपका गोल्ड है वो कन्फर्म हो जाएगा। गाइस अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड हमारा पेंडिंग में बता रहा है, बट हमें अमाउंट रिसीव हो चुका है, हमारे पास मैसेज आ चुका है। मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल करूँगा, देन यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 9 रुपये 38 पैसे मिल चुके हैं। आपके सामने लाइव यहाँ पे 1 मिनट अगेन दिखा रहा है। मैं इस वाले जो मैसेज को है वो ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 10 रुपये का यहाँ पे मैंने गोल्ड बाई किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे 9 रुपये 38 पैसे यहाँ पे मिले हैं। तो गाइस इसी तरीके से आप भी अपना जो भी अमाउंट है वो कुछ चार्ज देके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। यहाँ पे हालांकि कुछ चार्जेस ज़्यादा ही है, क्योंकि गाइस मैंने 10 रुपये ऐड किए थे उसमें से 62 यहाँ पे पैसे मेरे काट लिए गए हैं। तो आप देख सकते हो अगर आप अपने वॉलेट बैलेंस को बैंक में भेजना चाहते हो तो ये जो तरीका है गाइस ये काफ़ी अच्छा तरीका लगा है कि कुछ चार्जेस देके अपने बैंक अकाउंट में हम वो अमाउंट को ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना।